नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ नारायण राणे को लेकर। आखिर क्यों पुलिस इनके पीछे पड़ चुकी है और इनको गिरफ्तार करना चाह रही है? तो महाराष्ट्र की जो पुलिस है, इनके विभिन्न पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। और वो पूरा जो मामला है वो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे एक जो कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ ये मामला आ चुका है कि अब वो गिरफ्तार हो जाएंगे। नारायण राणे को आप जानते होंगे, बहुत से लोग जो नहीं जानते उनको रिकॉल करवा देता हूँ कि ये वही व्यक्ति हैं जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं महाराष्ट्र के। ये पहले शिवसेना पार्टी में भी रह चुके हैं और अभी हाल फिलहाल इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद आके बहुत से चीजें सामने रखी थी इस केस में। चलिए उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, पहले जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सुशांत सिंह राजपूत का केस और इसके ऊपर हम थोड़ा सा रिलेट करते हुए बात करेंगे, बट वो हम लास्ट में करेंगे, उससे पहले आप समझिए इस चीज को। तो नारायण राणे ने अभी रिसेंटली एक सभा को भाई संबोधित करते हुए क्या कह दिया कि उद्धव ठाकरे को, जैसे कि आपको पता है कि 15 अगस्त को जब झंडा फहराया जाता है आजादी के दिन, तब उनको नहीं पता था हमारे देश को आजाद हुए कितने दिन हो गए। किनको? उद्धव ठाकरे जी, जो कि चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के। तो एक चीफ मिनिस्टर जो पीछे मुड़ के ये पूछ रहे हैं कि हमें आजाद हुए कितने वर्ष हो गए, मतलब इसके ऊपर इनकी प्रतिक्रिया थी कि अगर मैं वहां पर होता तो थप्पड़ मार देता, उद्धव ठाकरे को जड़ के थप्पड़ मार देता, जो कि एक चीफ मिनिस्टर, और इसके ऊपर पूरा बवाल हो जाता है, FIR दर्ज हो जाती है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि अब इनके पीछे पुलिस पड़ चुकी है। तो ये पूरा मामला है, ठीक है। बीजेपी पार्टी ने ये कहा है कि हम सपोर्ट नहीं करते उनके इस बयान के ऊपर, क्योंकि ये बयान ठीक नहीं है इस तरह का। लेकिन अगर हमारे मंत्री को गिरफ्तार करने का ये पूरा जो चल रहा है ये रहता है, तो हम बिल्कुल नारायण राणे के साथ खड़े। और क्यों? क्योंकि एक यूनियन मिनिस्टर है, इनको ऑब्वियस सी बात है एक जो पावर मिलती है कि ऐसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसके बाद भी राज्य सरकार अगर मिसयूज ऑफ पावर कर रहा है तो ये सारी चीजें बीजेपी पार्टी कह रही है, ठीक है, स्पष्ट है, क्लियर है। लेकिन अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, क्या कहा इन्होंने कि उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मार देता? कहा, मारा नहीं है कि भैया उसके ऊपर गिरफ्तारी हो रही है कि चीफ मिनिस्टर को थप्पड़ मार दिया, ऐसा इन्होंने कहा, उसके ऊपर इतना बड़ा मामला हो गया। लेकिन इन्होंने कुछ और भी कहा था, वो मैं आपको याद दिलाता हूं, जब ना कि ये यूनियन मिनिस्टर थे ना मोदी सरकार के कैबिनेट में मिनिस्टर थे ये, लेकिन उसके बाद भी इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो इन्होंने क्या कहा था आपको मैं रिकॉल करवाता हूं। देखिए, ये कहे थे कि आदित्य ठाकरे जो है इसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए दिशा सल्यान के मर्डर में। आदित्य ठाकरे गिरफ्तार होना चाहिए किस केस में? दिशा सल्यान के मर्डर केस में। अब यहीं पे आप समझ जाओ कि बीजेपी के लीडर नारायण राणे कहां पे बैठ के कह रहे हैं, बीजेपी महाराष्ट्र के प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं। आप पीछे क्लियरली देख सकते हैं कि वहां पे बीजेपी महाराष्ट्र का पूरा प्लेटफॉर्म था, इन्होंने ऑफिशियली बीजेपी महाराष्ट्र के प्लेटफॉर्म से ये बात कही, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है, इनको गिरफ्तार करने के लिए कोई पुलिस नहीं निकलती है, कुछ नहीं होता है। क्यों भाई है? यहां पे तो इन्होंने एक बात हवा में कही, मैं होता तो थप्पड़ मार देता, होता तो उस वक्त थे तो नहीं, लेकिन उस पर इनको गिरफ्तार करने के लिए निकल गई पुलिस। लेकिन यहां पे इन्होंने आरोप लगा दिया क्लियर कि गिरफ्तार होना चाहिए, कुछ नहीं होता, आदित्य ठाकरे चुप, उद्धव ठाकरे चुप, लेकिन यहां पे राज्य सरकार पीछे पड़ गई। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा सुशांत की हत्या में आदित्य ठाकरे का हाथ है, क्लियरली आप देख सकते हो, नव भारत टाइम्स का आर्टिकल है, ठीक है। तो आपके सामने है ये चीज कि किस तरीके से नारायण राणे ने सामने आके क्लियर किया। इवन इनके बच्चों ने, नितेश राणे, नीलेश राणे, दोनों ने भी क्लियरली आदित्य ठाकरे के ऊपर खुल के बोला, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कुछ नहीं होता, ये क्लियरली आराम से घूमते रहते। और इवन इनका स्टेप बाय स्टेप ये यहां तक पहुंच जाते हैं कि भैया मिनिस्टर बन जाते हैं यूनियन में, ठीक है। अब आप सोच लो कि आखिर क्या खेल चल रहा है कि सुशांत के ऊपर बोलने के ऊपर, इतने जरूरी मुद्दे पे बोला इन्होंने, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेती महाराष्ट्र सरकार। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलत है, उन्हें पता है कि यहां पे अगर इस मामले को हम पकड़ेंगे, पीछे पड़ेंगे, तो हमारी एस्थेस हो जाएगी। लेकिन एक ऐसे मामले के ऊपर पुलिस बैठ जाती है जो हवा में, और अभी तो अनिल देशमुख तो भागे भागे फिर रहे, उनको कोई गिरफ्तार नहीं करना है, वो कुछ भी करते फिरे, लेकिन हवा में बोली गई बात कि मैं होता तो थप्पड़ मार देता, वो इतना चुप गया, लेकिन अनिल देशमुख फिरौतियां कर रहे हैं, अनिल देशमुख वसूली रैकेट चला रहे, सब चलता है, उस पर हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। देख रहे आपके सामने गंदगी आपके सामने, ठीक है। तो ये मेरा एक पॉइंट है बहुत क्लियर सा कि आदित्य ठाकरे आखिर इनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी
इन्होंने FIR क्यों नहीं करवाई, इनकी किसी पार्टी के सदस्य ने FIR क्यों नहीं करवाई, क्यों तब नारायण राणे, नीलेश राणे, नितेश राणे को गिरफ्तार नहीं किया गया। खैर, मेरा सवाल नारायण राणे से अभी भी है कि सर, आपने जब उस टाइम पे निकल के आके इतनी बातें कही थी, तो अब क्यों आप इस विषय पे कुछ नहीं बोल रहे हैं? क्यों सुशांत और दिशा के मुद्दे पे आप नहीं बोल रहे हो, जब आपने कहा था कि मेरे पास सबूत है और मैं दूंगा? तो अब वो देने का समय आ चुका है, क्योंकि एक वर्ष CBI को हो चुके हैं और CBI बिल्कुल शांति, मतलब पूरा शांति प्रिय मूड में जा चुका है। तो अब आपको आके बोलना पड़ेगा सर, आपके बच्चों को आके बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप अब तो पद पे भी जा चुके हैं, एक अच्छे पद पे हो, तो अब आपके पास पावर है, अब आपके आके बोलिए इस चीज पे। खैर दोस्तों, इस चीज को, इस बात को आप स्प्रेड करिए ज्यादा से ज्यादा कि आखिर ये लोग जो प्रभावशाली लोग हैं, ये एक पद पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि हमने पास्ट में क्या कहा था। ऐसा नहीं हो, क्योंकि एट लास्ट प्रेशर आप ही का है जो काम करेगा। हालांकि नारायण राणे के लिए मुसीबतें कुछ ज्यादा हैं, क्योंकि उन्हें आज रात तो फिलहाल जेल में गुजारना ही पड़ेगा। क्यों, आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, उनको आज जो गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद 6 बजे तक काम हो सकता है, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन आज उन्हें उद्धव ठाकरे सरकार कोर्ट में पेश करने के मूड में नहीं है। उन्हें पता है क्योंकि बाद में तो उन्हें बेल मिल जानी है, तो अब उन्हें जेल में ही गुजारनी पड़ेगी आज की रात, और कल उन्हें कोर्ट ले जाया जाएगा। चलिए, जो भी है देखा जाता है, बट यही है फिलहाल कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे मसले पर इनको गिरफ्तारी का भी मुद्दा बनाया जा रहा है, जो हुआ नहीं है। कि मैं होता तो मार देता, कि थप्पड़ मार दिया हो जैसी स्थिति, समझ गए, तो कुछ नहीं होगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, जो मेरा यूजर नेम है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।